नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, जब कुंभ लग्न की बात करते हैं और गुरु का जो राशि परिवर्तन 1 मई को होने जा रहा है और ये 14 मई 2025 तक रहेगा, यानी कि 14 मई 2025 तक का ट्रांजिट है। और ये जो गुरु का ट्रांजिट है वो कुंभ लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आएंगे, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ लग्न के लिए गुरु जो है आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे वृषभ राशि के अंदर, और ये आपके सेकंड हाउस के अधिपति हैं, यानी कि द्वितीय स्थान के भी स्वामी हैं और 11वें स्थान के भी स्वामी हैं। तो लाभेश होकर जब चतुर्थ भाव में गुरु का भ्रमण होगा और वो भी वृषभ राशि के अंदर, तो चौथा घर जो होता है वो प्रॉपर्टी का होता है, और प्रॉपर्टी के अंदर भी आप एक तरह से कहा जाए कि लाभेश होकर जब गुरु खुद उस स्थान के कारक होकर बैठते हैं, तो ये एक तरह की परिस्थिति ऐसी है कि फोर्थ हाउस को ये इनहेंस करता है, बढ़ता है। आपका हर कार्य जो प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है और वो रुका हुआ है, तो वो कार्य आपका अब संपन्न होगा इस समय के दौरान। गुरु का भ्रमण इस समय चतुर्थ भाव के अंदर मुझे लगता है कि ये मन की अवस्था है, और जब मन के ऊपर से वो पास ऑन होता है तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आप महसूस कर पाएंगे, आपके अंदर एक ग्रोथ महसूस कर पाएंगे। और एक तरह से कहा जाए कि जो हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित भी कोई कार्य है, आपकी सेकंड हाउस का स्वामी बनकर भी बैठे हैं, तो आपकी जो भी मतलब एक तरह से कहा जाए कि सेविंग्स को आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। प्रॉपर्टी में वृद्धि होगी और एक तरह से कहा जाए कि आपके सेल्फ ग्रोथ में भी वृद्धि होगी। आपके मन के अंदर ग्रोथ के विचार बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से आएंगे, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। माता के साथ अगर संबंध खराब थे तो वो बेहतर हो पाएंगे। आप किसी भी प्रकार से, आप कहते हैं ना कि मदरलैंड से कनेक्टेड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी रिनोवेशंस भी करवाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। गुरु की 3 दृष्टियां होती है और 1 दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ती है, और 1 दृष्टि जो अष्टम भाव पर ज्यादातर पड़ रही है, तो वो मुझे लगता है कि ये आपकी हेरिडिटी को एक्टिवेट करती है, आपके रिसर्च की एक्टिविटीज को एक्टिवेट करती है। एक तरह से कहा जाए कि जो भी रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं, जो आध्यात्मिक चिंतन के अंदर नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, तो उससे कनेक्टेड कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। अगर कोई एजुकेशन सेक्टर में है तो एजुकेशन सेक्टर से संबंधित या लैंग्वेजेस से संबंधित कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा समय है। यहाँ पर आपको एक कहते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा चीजों के डेप्थ में जाकर उसके बारे में सोचना चाहेंगे हर चीज में, भले ही आप कह सकते हैं अष्टम भाव जो होता है वो हिडन सीक्रेट्स होते हैं, तो जो स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। गुरु की ये दृष्टि की वजह से कहा जाए कि आपको अनएक्सपेक्टेडली काफी गेन होंगे, बहुत लाभ जो होंगे वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके दशम भाव पर, तो दशम भाव पर दृष्टि संबंध होना एक तरह से मुझे लगता है कि जो भी आपके कहते हैं ना कि रुके हुए कार्य हैं, जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब मिलने की संभावनाएं बनती है, जिनका प्रमोशन काफी समय से अटका हुआ है उनके प्रमोशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा, और अब ये जुपिटर, ये जो गुरु है, और सप्तम दृष्टि की वजह से कहूंगी कि बहुत ही कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिलता है इस समय में, आपको एप्रिशिएशन भी प्राप्त होगा और आपके इनकम में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपके इनकम में वृद्धि होगी। अगर आप बहुत समय से कार्यरत हैं मगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत समय से हमारा जिस प्रकार से ग्रोथ होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा जो लेवल ऑफ वर्क हमने किया है उसका पे ऑफ नहीं हो पाया, तो अब ये समय ऐसा है कि वो पे ऑफ आपको होगा। यहाँ अगर सुपीरियर्स के साथ संबंधों में कहीं पर भी कमी थी तो उसको आप बेटरमेंट की तरफ आप ले जा पाएंगे।
जो भी लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। इस गुरु की दृष्टि की वजह से इनकम के स्तोत्र बढ़ेंगे, आप एक से दो तरह के आप इनकम स्टार्ट कर पाएंगे। आप बहुत कहते हैं ना कि इंसान का मन बहुत ज्यादा अर्निंग ओरिएंटेड रहता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली। आप जिस समय से लास्ट ईयर से आप जो काम कर रहे हैं, तो अब यहाँ से आपके फाइनेंसेस बढ़ने की संभावनाएं बनती है, इनकम बढ़ने की संभावनाएं बनती है। जो लोग बिजनेस के अंदर है उनको भी बिजनेस के अंदर ग्रोथ मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जॉब में है तो प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। गुरु की दृष्टि पड़ती है आपके 12वें घर पे, 12th हाउस पे पड़ती है। तो ये 12th हाउस के ऊपर जब दृष्टि संबंध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विदेश के हर रुके हुए कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जिन जिन लोगों के वीजा और जिन जिन लोगों के जो डॉक्यूमेंटेशन अटके हुए हैं, तो अब गुरु के कारण डेफिनेटली आपको लाभ होगा। विदेश में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होगा, जो मेडिसिन के कार्य में है, जो एक तरह से के लॉ के कार्य के अंदर है, जो भी कायदे कानून से संबंधित कार्य करते हैं, आईटी क्षेत्र के अंदर है, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर समय कहूंगी। और जुपिटर आपको एक तरह से कुछ खर्च भी करवाएगा एजुकेशन के पीछे, कुछ नॉलेज गेन करने के पीछे, और प्रॉपर्टी लेने के पीछे आपका एक्सपेंस हो सकता है। अगर कोई भी प्रकार का आप लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, तो अब गुरु के द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, लीगल मैटर में से आपको सही रास्ता भी प्राप्त हो पाएगा। जिन लोगों के बहुत एक तरह से कहा जाए कि प्रॉब्लम्स चल रही थी, और अब कोई भी प्रकार का कोर्ट केस है, तो वहां पर आपको विजय प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और ये दृष्टि की वजह से ये जो आपके जहां जहां पर ये दृष्टि कर रहा है, यानी कि 8th हाउस आपका, 10th हाउस और 12th हाउस, ये तीनों ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में राइट नाउ, तो वो आपको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। ये फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत फायदा होगा 12th हाउस के अंदर। दूसरा, एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं, जो भी हायर एजुकेशन के अंदर है उनके लिए ये जुपिटर बहुत अच्छा है। जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस प्रकार के कुछ पॉजिटिव खर्चे होंगे जो उनके जीवन को बहुत ही बेहतर बनाएंगे। मुझे लगता है कि ये लाभ स्थान का स्वामी होकर बैठा है, तो आपको हर तरह से लाभ है, यानी कि आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी, आपको डायरेक्शन भी पॉजिटिव मिलेगा। जो भी रुके हुए कार्य है, जो भी रुके हुए प्रमोशन है, जहां पर भी आपकी इनकम नहीं हो पा रही थी, कहीं पर भी आप होल्ड पे थे, या कहीं पर भी आपको डिलेज महसूस हो रहे हैं, भले ही वो फॉरेन डॉक्यूमेंटेशन में हो या किसी भी प्रकार के लीगल मैटर में हो, वहां पर आपके हर कार्य के अंदर आपको गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा, और आप डेफिनेटली इस जुपिटर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। और मुझे लगता है कि करियर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन प्राप्त होगी, एजुकेशन के अंदर बहुत पॉजिटिव आपको डायरेक्शन प्राप्त होगी, और जहां पर भी कोई भी लीगल मैटर के अंदर आप हैं या फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कार्य में रुके हुए हैं, ये सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार से गुरु का गोचर रहेगा कुंभ लग्न वालों के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।